सर, मेरी आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या इंसान की वैल्यू मंदिर और गाय से ज़्यादा है? सबसे पहले प्रियंका मैडम, आपको धन्यवाद कि आपने महिलाओं के लिए 40% सीट का आरक्षण किया। आप इस कदर ओझल हो गई राजनीति से, आप और बीजेपी इस कदर एक होते जा रहे हैं, तो क्या मैं आने वाले समय में ये जान सकता हूँ कि बीजेपी और मायावती एक हो सकती हैं? आप राजनीति में अगर आते हैं आगे, फ्री में बांटना चीज़ें बंद करें, क्योंकि फ्री में जो बांटते हैं उससे लोग आलसी होते हैं, कामचोर बनते हैं। ये जो UAPA, NSA और एंटी रोमियो स्क्वाड है, आप इसमें किसी को भी अंदर कर देते हैं और ज़्यादातर मुस्लिमों को ही टारगेट करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, कोरोना महामारी की वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ी ठप सी पड़ गई है। हमारी जो स्टडीज़ हैं वो कब ऑफलाइन हो पाएंगी, हमारा आपसे ये सवाल है। आपके शासनकाल में सिर्फ दो नाम ही सुनाई देते थे, यादव और मुस्लिम। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस बार इसके ऊपर उठ के जातिवाद को छोड़ के जनता के सामने आना पसंद करेंगे? आपसे बिना जातिगत राजनीति करने से अपेक्षा जीवन आगे नहीं जाएगा। देश की राजनीति को समझिए, आप भी आरक्षण को खत्म करने आप शुरुआत करिए देश में। दिक्कत यह है कि आपने गौशालाएँ तो बनाई, लेकिन उसमें जो गौशालाएँ की सुविधाएँ हैं वो ठीक ठीक से नहीं दिए गए। आप मूर्ति पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती, वो जनता का पैसा बिल्कुल गलत तरीके से जा रहा है। आपकी जब सरकार थी, जो आपने पुलिस की भर्ती निकाली थी, उसमें जो यादव जो हैं, यादव मेजॉरिटी है, उसमें इतना ज़्यादा नौकरी ले ली है, क्या सिर्फ यादव ही एलिजिबल थे वहाँ पे? सेकेंड वेव में ये हुआ था कि आपने बोला था कि हमारी बहुत तैयारी है, हम सब चीज़ मैनेज कर लेंगे, बट वहाँ पे राम मंदिर का चर्चा ज़्यादा हो रहा था। इंसान की वैल्यू नहीं, गरीब है जो, वो और गरीब हो चुका है, तो ऐसे कैसे चलेगा? अभी मोदी जी ने जो 3 कानून वापस लिए हैं उसमें आपने ये कहा है कि ये बहुत सराहनीय कदम था, तो फिर उनका क्या जिन्होंने अपनी शहादत दी, इसमें 700 लोग मारे गए, उनका क्या? और लखीमपुर खीरी में उन परिवारों को न्याय कौन देगा? पिछले सरकार में आपने ये दावा किया था कि आप लोगों ने कि महिलाएं उसमें सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं तो आपकी भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। इतने रेप केसेस हो रहे हैं, उन्नाव केस हुआ है, और एज अ गर्ल हम भी ये फील करते हैं कि हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कहीं भी जाते हैं तो हमें सेफ्टी वो नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। एक UP में प्रधानपति कंसेप्ट चलता है, जो सारा प्रतिनिधित्व तो महिला ही करती है, बट कार्यभार जो होता है वो पति करता है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि ऐसा कुछ ना हो। आपने जो वादा किया था, जो कहा था आपने कि आप यूपी में क्राइम रेट को कम कर देंगे, लेकिन सर वो दिखाई नहीं देता, ज़मीन पर वो हकीकत पता नहीं चलती है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रामीण जनता है उनको वो पहुंच नहीं पाता है।